नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रिय शिक्षार्थियों, आज के इस लेक्चर रिकॉर्डिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में शिक्षार्थियों, हम सभी ने सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार, निर्विचार आदि समाधियों पर चर्चा किया था। समाधिपाद जो पातंजलि योग सूत्र का पहला पाद है, पहला अध्याय है, वहाँ से शुरुआत हमने किया था। पहले सूत्र से शुरुआत करते हुए पिछले सत्र में हमने 45वें सूत्र तक अध्ययन कर लिया है। आज हम उसके आगे से करेंगे और आज हमारा पहला पाद, पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा। पतंजलि योग सूत्र है, उस विषय में पहला जो अपना ब्लॉक है, ब्लॉक का ब्लॉक 1 यूनिट नंबर 3 पे हम आखिरी 6 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ता एव सबीज समाधि, समाधि में इसके पहले हम निर्विचार, सविचार, निर्वितर्क, सवितर्क आदि का अध्ययन किया हमने। उसके पहले हमने प्रणव, ईश्वर के स्वरूप, अंतरायों को रोकने का उपाय, स्मृति परिशुद्धि आदि का अध्ययन महर्षि पतंजलि के इस पाद में किया था। आगे बढ़ते हुए हम अब सबीज समाधि तक के स्थिति को पर पहुंच चुके हैं। आगे हम इस समाधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो महर्षि कहते हैं सबीज क्या है, ता एव सबीज समाधि। तो वो वास्तव में सबीज समाधि क्या है, तो उसको हम देखेंगे। लिखा भी है, उपयुक्त सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प होने पर भी, उपयुक्त समाधियाँ निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। वास्तव में निर्बीज, निर्बीज से हमें पता चल रहा है कि अभी बीज का पूर्णतः समाप्त हो जाना, यानी विचारों का पूर्णतया समाप्त होना, यानी वृत्तियों का, जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो पूर्णतया जब समाप्त होती हैं तभी वो निर्बीज होती हैं, लेकिन अभी नहीं है। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार आदि में भी वह उपस्थिति या उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। इसलिए महर्षि ने सूत्र दिया तायो सबीज समाधि। इन स्थितियों के बाद भी साधक में अभी बीज उपस्थित है। सबीज मतलब बीज उपस्थित है, चित्त की वृत्तियां अभी उपस्थित हैं, इसलिए सबीज इसको कहा गया। हमको जाना कहाँ है, निर्बीज समाधि, यानी कि कोई भी लहर, कोई भी वृत्ति हमारे पास शेष ना रह जाए, वहाँ तक हमें पहुँचना था। तो फिर महर्षि कहते हैं, इसलिए महर्षि ने कहा निर्बीज नहीं। अब आगे कहते हैं बीज, चित्त का बीज, यहाँ पे देखिए वही बात आ रही, चित्त का बीज विद्यमान है, इसलिए ये सब की सब सबीज समाधि ही हैं। अभी मतलब कुछ न कुछ अंश आप में बाकी है, आपकी वृत्तियों का पूर्णतया निरोध नहीं हुआ है, कुछ न कुछ विचार बाकी हैं, कुछ न कुछ संस्कार बाकी हैं, कहीं न कहीं आप में अभी वो पूर्णता नहीं मिली है, इसलिए यह सबीज समाधि। मतलब सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार आदि उपयुक्त चारों के बावजूद, अवस्थाओं के बावजूद आप भी अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, आप में कहीं न कहीं वो अंश बाकी है। तो महर्षि इस पर वहीं पर वही बात कहते। तो फिर देखिए लिखा भी, इन चार प्रकार की समाधियों में भी निर्विचार समाधि के निर्मल हो जाने पर, अब क्या है, इन चार समाधियों के निर्मल हो जाने पर फिर महर्षि कहते हैं निर्विचार वैसार्दे अध्यात्म प्रसाद। अभी एक चीज आपको मिलना बाकी था, निर्विचार समाधि के निर्मल हो जाने पर फिर क्या होगा, फिर कहते हैं निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर, समाधि के जो चार अवस्थाएं हैं उसमें निर्विचार समाधि जो आखिरी समाधि थी उसके अत्यंत निर्मल होने पर योगी में अध्यात्म प्रसाद, योगी में अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद क्या है, तो आत्मिक विभूतियां भली प्रकार प्रसारित हो जाती हैं। अध्यात्म प्रसाद मतलब आत्मिक विभूतियां, जिसकी खोज में साधक लगा हुआ है, जिसके ज्ञान की प्राप्ति में साधक लगा हुआ है, उसका कुछ न कुछ अंश या प्रादुर्भाव या स्वरूप साधक को मिलने लगता, तो वही यहाँ पे क्या है, आत्मिक या अध्यात्म प्रसाद
आत्मिक विभूतियाँ या अध्यात्म प्रसाद एक ही चीज़ है, वो साधक में आने लगती हैं, प्रसारित होने लगती हैं। तो उससे लाभ क्या हुआ, तो सनातन पुरुष अजन्मा, सनातन पुरुष अजन्मा। अभी हमने पुरुष किसे कहा है, इसी पाद में आगे पढ़ा था, ईश्वर विशेष पुरुषा, वो ईश्वर क्या है, वही विशेष पुरुष है। तो वो क्या है, सनातन है, अजन्मा है, शाश्वत है। जिन विभूतियों वाला है वे सारी विभूतियाँ योगी को प्राप्त हो जाती हैं। अंततः वो क्या हो जाता है, वो सारी विभूतियाँ जो सनातन के पास है, वो शाश्वत के पास है, उस अजन्मा के पास है, वो सारी विभूतियाँ उस साधक को, वो सारी विभूतियाँ उस साधक या योगी को प्राप्त होने लगती हैं। तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई छू नहीं सकता, उसे हवा गीला नहीं कर सकती। तो वही पुरुष विशेष, वही अजन्मा, वही विभूतियाँ यहाँ साधक को प्राप्त हो जाती हैं, आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो योग क्या है, योग वास्तव में आपके उस अंतर जगत या अंतर मन को निर्मल होने पे ही प्राप्त होता है, उसका दिग्दर्शन हो जाता है जो अंश आपके साथ है। तो वास्तव में वो यहाँ पे क्या होता है, आत्मा का आधिपत्य अब स्थापित होता है। तो साधक अपनी साधना के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वह योगी वो उसी स्थिति वाला हो जाता है। वही स्थिति कौन सी, जो अजन्मा शाश्वत सनातन, वही स्थिति उस योगी उस साधक को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाद उसे प्राप्त हो जाता है। वो सारी आत्मिक विभूतियाँ जो शाश्वत हैं सनातन, वो सारी विभूतियाँ इसी साधक को प्राप्त हो जाता है। अब कोई विभूति उससे अगला नहीं, आगे देखते हैं। उसमें योगी की बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती, जैसे ही वो निर्विचार समाधि निर्मल होती है तो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म प्रसाद मतलब आत्मिक विभूतियाँ, आत्मिक शाश्वत सनातन सत्ता प्राप्त हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा, वो उसमें योगी की बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, महर्षि कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा। उसमें योगी की प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ऋतंभरा अर्थात सत्य से संयुक्त हो जाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि सत्य सनातन शाश्वत क्या है, तो वह आत्मा है, वह पुरुष है। वो क्योंकि योगी को प्राप्त हो जाती है, तो उसकी बुद्धि भी उसी सत्य सनातन शाश्वत को प्राप्त हो जाती है। तो योगी क्या है, उस शाश्वत सत्य को प्राप्त कर ले जाता है। उससे क्या होगा, अब वह परम तत्व परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है। तो किसी विशेष अभ्यास के द्वारा करते करते वह योगी उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि उस परम तत्व परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है। मतलब कोई अलगाव अब नहीं रह जाता, वो उस अवस्था में आ रहा है कि उस ईश्वर को अपनी बुद्धि में, उसके विवेक में आने की स्थिति में आ जाता है। अध्यात्म का प्रसाद मिल गया तो अब केवल परम चेतन को पाना मात्र शेष रह गया। जैसे ही उस अध्यात्म का प्रसाद उस साधक को मिल गया तो केवल परम चेतन, परम चेतन अर्थात वो जो योग होना है जिससे वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, उस पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम आगे कैवल्य के रूप में महर्षि ने वर्णित किया है, उसको देखेंगे। तो उस कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करना केवल साधक को शेष रह जाता है। अर्थात यहाँ पे वह बुद्धि परमात्मा को धारण करने की स्थिति में आ गया, उसके साथ साथ वह योगी अब उस अवस्था में केवल उसको कैवल्य की अवस्था प्राप्त करना शेष रह गया। बाकी उसने सारी विभूतियाँ, सारे ऐश्वर्य, सारे सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया है। फिर क्या होता है, यह बुद्धि साधारण बुद्धि से अलग होती, महर्षि कहते हैं यह बुद्धि साधारण बुद्धि से अलग कहते हैं। इस पे उन्होंने कहते हैं, एक सूत्र दिया है, श्रुतानुमान प्रज्ञा भ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। इस सूत्र को विवेचना करते हैं, श्रुत हम सब जानते हैं, श्रुत अर्थात श्रवण किए हुए अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विशेष विषय भिन्न है। श्रुत तथा श्रवण किए हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है।
मतलब ये ऋतंभरा प्रज्ञा एक विशेष प्रकार की बुद्धि है जो सुने हुए और अनुमान से भिन्न होता है। श्रुत मतलब सुने हुए और अनुमान, यहाँ सूत्र में महर्षि ने अनुमान का वर्णन किया है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि और विषय, ये क्या होगा, भिन्न है और विशेषार्थ, इसको आगे पढ़ते हैं, विशेष भी है। आगे फिर कहते हैं जिसका ज्ञान श्रुत और अनुमान से नहीं होता, मतलब सुनने और अनुमान से उसका ज्ञान नहीं होता, उसकी जानकारी इस प्रज्ञा से होती, इस विशेष बुद्धि से। उस सुनने और अनुमान से न प्राप्त होने वाले विशेष की जानकारी हो जाती है। तो इसीलिए यह बुद्धि क्या है, यह प्रज्ञा बुद्धि क्या है, यह साधारण बुद्धि से अलग है और विशेष है, इस प्रज्ञा से होती है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। यहाँ पे आ भी गया कि यह विशेष अर्थ वाली होती है, अर्थात साधक अपने साधक के साधना के बल पे उस विशेष स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जहाँ वह परम चेतन या परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति में या उसको धारण करने की स्थिति में आ जाता है। अभी हमने पढ़ा कि उसके साथ ही साथ उसको सारी विभूतियाँ, शाश्वत सत्य, सनातन, सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो योग एक बहुत विशेष अवस्था में महर्षि ने यहाँ पे वर्णन किया है, ये 49वां सूत्र। आगे बढ़ते हैं, फिर महर्षि कहते हैं विशेष पुरुष ईश्वर, यहाँ देखिए विषय आ गया जो अभी हमने वर्णित किया, जो इसको महर्षि ने आगे भी कहा था कि विशेष पुरुष ही ईश्वर है, विशेष पुरुष ईश्वर है, उस अर्थ वाली है, उसको ग्रहण करने की क्षमता वाली है। इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि, श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है, उसकी अपेक्षा यह बुद्धि अत्यंत परिमार्जित है। श्रवण और अनुमान से तैयार होने वाली बुद्धि से की अपेक्षा जो प्रज्ञा को प्राप्त बुद्धि है वह अत्यंत विशेष होती है, भिन्न अर्थ वाली होती है, साधारण से मतलब थोड़ा ऊपर हो जाती है, अत्यंत परिमार्जित। इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह केवल प्रकृति से परे या प्रकृति से परे आत्मा को धारण करने की क्षमता वाली होती है। अब यहाँ प्रकृति का भेद या प्रकृति से ऊपर उठ गया, भौतिकता से ऊपर उठ गया, वह व्यक्ति या बुद्धि विशेष क्षमता को धारण करने वाली, यानी कि परम तत्व परमात्मा या आत्मा या ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसको धारण करने की क्षमता से युक्त हो जाती है। फिर महर्षि कहते हैं श्रुत अभी हमने पढ़ा, केवल सुनने से कोई बुद्धि तैयार नहीं होती, सुनने और अनुमान से, अभी हमने पढ़ा सुनने और अनुमान से जो बुद्धि है वह साधारण है, और जो सुनने और अनुमान से भिन्न बुद्धि है उसी को यहाँ प्रज्ञा बुद्धि महर्षि ने कहा है। तो प्रज्ञा क्या है, विशेष है, बाकी अन्य बुद्धियाँ क्या हैं, श्रुत और अनुमान से उसका अध्ययन करती हैं। श्रुत और अनुमान से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विशेष नहीं, बिल्कुल यहाँ महर्षि ने पूरी तरह स्पष्ट किया कि बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि जो है वो बिल्कुल विशेष है, वह धारण करने की स्थिति में आ जाती है, न कि वह श्रुत और अनुमान पे निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं, श्रवणेन्द्रिय में कोई ध्वनि टकराते ही स्पर्श, रूप, रस इत्यादि प्रत्येक के अभ्यास तथा अन्य जन्मों के संस्कार स्मृति पटल पर उभरते ही अनुमान का सूत्रपात होने लगता है। अब यहाँ पे एक तरह से महर्षि ने एक उदाहरण दिया कि अगर हमको कोई श्रवण इंद्रियों के द्वारा कोई शब्द सुनाई दिया तो हम एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसी का चर्चा महर्षि ने किया, श्रवण इंद्रियों में कोई ध्वनि टकराते ही हम उसके रूप, रस, अन्य चीज़ों का अनुमान लगा लेते हैं, या अन्य जन्मों के संस्कार स्मृति पटल पे उभर आते हैं। जैसे हमने किसी का आवाज़ सुना तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी आवाज़ आ रही है वो उस तरह का है, अगर हम उसको जानते रहते। तो यहीं पे महर्षि ने उसको वर्णन यहाँ पे किया कि अन्य जन्मों के संस्कार स्मृति पटल पर उभरते ही अनुमान का सूत्रपात होने लगता है, वस्तुओं की जानकारी हो जाती है, किंतु यह प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली, बार बार वो कह रहे हैं प्रज्ञा क्या है, विशेष अर्थ वाली है। फिर कहते हैं श्रुति या सूरत मन की दृष्टि है, श्रुति या सूरत क्या है, मन की दृष्टि है, यह भला बुरा सब कुछ ग्रहण करती है। सूरति में स्फुरण के साथ ही अनुमान होने लगता है,
इस ऋतंभरा प्रज्ञा का, किंतु इस ऋतंभरा प्रज्ञा का स्तर उससे उन्नत है। फिर उन्होंने कहा कि मन से, उसके श्रुत से, उसके स्मरण से, इन सब चीज़ों से यह ऋतंभरा प्रज्ञा जो है उससे उन्नत अवस्था वाली है। तभी, क्योंकि हमने पढ़ा कि यह विशेष पुरुष को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता, तो यहाँ स्पष्ट है कि यह ऋतंभरा प्रज्ञा की जो प्राप्ति होती है साधक को साधना के बल, वो विशेष हो जाती है। आगे देखते हैं, यह पुरुष, फिर कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, यह पुरुष विशेष ईश्वर। अभी हमने कहा पुरुष विशेष ही ईश्वर है, तो यह पुरुष विशेष ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाली होती है। इसके महत्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं, पुनः महर्षि इसी इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य समस्त संस्कारों का प्रतिबंधक होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार है, या बुद्धि धारण करने की क्षमता की स्थिति भी होने पे जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, वह अन्य संस्कारों का प्रतिबंधी, प्रतिबंधी का मतलब उन सब का निरोध कर देता है। वो सारे संस्कार जो पूर्व के थे वो सब रुक जाते हैं वहीं पे, अब उससे अधिक संस्कार बनने की स्थिति में नहीं आते हैं। इसके पश्चात प्रकृति बाधक नहीं रह जाती। प्रकृति जो कि भौतिकता, जिसको हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन या भौतिक जो बाधाएं हैं, वह उस साधक से परे हो जाती हैं, उसको बाधा नहीं पहुंचाती। अब कोई संस्कार प्राप्ति में बाधक नहीं होता, कोई भी संस्कार उस साधक को उस पूर्ण प्राप्ति में, पूर्ण योग की प्राप्ति में बाधक नहीं रह जाता है। फिर महर्षि कहते हैं, यह आखिरी पहले पाद का आखिरी सूत्र महर्षि कहते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। अर्थात अब यहाँ निर्बीज, अभी हमने सबीज पढ़ा, सबीज से फिर निर्बीज तक हम पहुँचे। सबीज का क्या अर्थ था, जिसमें अभी कुछ न कुछ बीज बाकी रह गया था, पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ महर्षि अब कहते हैं आखिरी सूत्र में निर्बीज समाधि। निर्बीज मतलब हमको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कोई बीज या कोई स्फुरण या कोई संस्कार अब बाकी नहीं रह गए, सबका उसने क्या किया, साधक ने निरोध कर दिया। अर्थ पे जाते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी जब शांत हो जाता है, उस समय सर्व निरोध के साथ निर्बीज समाधि हो जाती है। अभी हमने कहा कि ऋतंभरा प्रज्ञा से विशेष संस्कार उत्पन्न होते हैं और बाकी सारे संस्कार प्रतिबंधी या निरोध हो जाता है, लेकिन प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न हो रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ भी संस्कार मिट जाता है साधना के बल पे, तो उससे क्या होगा, निर्बीज समाधि, सभी का निरोध हो जाता है, सभी संस्कारों का सर्व निरोध होने पे निर्बीज समाधि हो जाती है। इसका थोड़ा सा विवरण हम पढ़ेंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रभाव से जब अन्य समस्त संस्कारों का अभाव हो जाता है, उससे उत्पन्न संस्कार ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है, वह ईश्वर मिलकर इन संस्कार को भी शांत कर देता है। ऋतंभरा प्रज्ञा में क्या था, पुरुष विशेष को धारण करने की क्षमता या ईश्वर को धारण करने की क्षमता आई, उससे संस्कार उत्पन्न होता है ऋतंभरा प्रज्ञा से। लेकिन वही पुरुष विशेष जो था, उन अन्य संस्कारों का या ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों का भी शमन कर देता है, उसको निर्बीज कर देता है, निरोध कर देता है, तो उससे क्या हो गया, वो संस्कार भी शांत कर देता है। इस प्रकार संस्कारों के बीज सर्वथा अभाव हो जाने पे इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि। उस पुरुष विशेष के कारण जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, वो भी शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो अब कोई बीज अब शेष नहीं रह गया, तो उसी को यहाँ पे महर्षि ने निर्बीज समाधि कहा। इसी को कैवल्य पद, अंत में देखिए हमने कहा कैवल्य पद तभी प्राप्त होगा जब कोई संस्कार या कोई बीज नहीं रह जाता, तो इस निर्बीज समाधि से क्या प्राप्त हो गया, कैवल्य पद। तो यहाँ पे
पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए शिक्षार्थियों कि पहले अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हुआ, उससे क्या हुआ रितंभरा प्रज्ञा से, रितंभरा प्रज्ञा से भी क्या हुआ, हमें कुछ संस्कार उत्पन्न हुए, रितंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुए उस संस्कारों का भी निरोध उस पुरुष विशेष के मिलने से हो गया, उस पुरुष विशेष के मिलने से जो संस्कार निरोध हो गया तो निर्बीज समाधि प्राप्त हुई, और निर्बीज समाधि के प्राप्त होने को ही कैवल्य पद या कैवल्य समाधि कहते हैं, कैवल्य समाधि भी कहते हैं। इस प्रकार यह पहला जो पाद है उसका पूर्ण समाप्ति होती है। इसमें हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। इस पाद में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इस पाद में हमने पहला सूत्र अथ योग अनुशासन पढ़ा, जिसमें योग को अनुशासन के रूप में महर्षि ने समझाया। योग योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध पढ़ा। उसके साथ साथ महर्षि ने बताया कि क्या है चित्त वृत्तियों को अनुशासित करने पे, वृत्तियों को अनुशासित करना ही योग है, तो उन वृत्तियों को अनुशासित करने का पूरा कार्य ही क्या होता है, योग हो जाता है। इस अनुशासन से पूर्व वृत्तियाँ जैसी थी वैसी ही रहती हैं। फिर कहते हैं वृत्तियाँ अनंत थी। हम इसी अध्याय में पाते हैं कि वृत्तियाँ बहुत सी हैं, लेकिन महर्षि ने दो प्रकार की मानी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्या होती हैं, क्लिष्ट वृत्तियाँ इस क्लेश प्रदान करती हैं, अक्लिष्ट आपको क्लेशों से दूर ले जाती हैं। तो वृत्तियाँ क्लेश प्रदान करती हैं, कुछ क्लेशों से मुक्त करती हैं। संपूर्ण योग इन्हीं वृत्तियों के निरोध और अभ्यास पर निर्भर है। तो वास्तविक योग आपको तभी प्राप्त होगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेंगे। महर्षि ने इस समाधि पाद का पहले वर्णन किया है कि साधक को समाधि का वर्णन इसलिए किया गया कि उसको समाधि के विषय में थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए और उस पर वह योग की प्राप्ति के लिए लग जाए। तो वास्तव में यही इन्हीं वृत्तियों का निरोध करने पर ही योग प्राप्त होगा। इसके पहले तो आप योग की प्राप्ति नहीं कर रहे, उस मार्ग में बढ़ रहे हैं, उस मार्ग में चल रहे हैं। तो इन्हीं वृत्तियों के निरोध हो जाने पर शुद्ध योग की प्राप्ति हो जाती है। इसी पाद में हमने, इसी प्रथम पाद में हमने ईश्वर के स्वरूप, उनको प्रणव से जपने का सूत्र महर्षि ने दिया। योग के अंतरायों का वर्णन पाया, उन अंतरायों को दूर करने का वर्णन इसी उसमें है। साथ ही साथ कई समाधियों का वर्णन हमने पाया, चित्त के निर्मल स्वरूप को हमने वर्णन पाया, रितंभरा प्रज्ञा, सर्बीज समाधि, अंत में निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि का वर्णन प्राप्त होकर यह पहला पाद आज हमने समाप्त किया है। आशा है शिक्षार्थियों आपको इस पूरे अभी तक के जो लेक्चर हुए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्द ही हम दूसरे पाद को शुरुआत करेंगे जिसका नाम है साधन पाद। बहुत बहुत धन्यवाद।